हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक टर्म होता है जिसे फोकल प्लेन कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। आपने जो है फोकस के बारे में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फोकल प्लेन जो है उसके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है हम सब यूज करते हैं, है ना, हमें पता नहीं होता, अनजाने में यूज करते हैं। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो फोकल प्लेन है वो क्या है और उसका किस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फोकल प्लेन के डिफिनीशन पर। तो बाय डिफिनीशन ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्लेन है जो फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखेंगे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में दिखाया गया है कॉनकेव मिरर। तो इस डायग्राम से हम लोग फोकल प्लेन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पर देखेंगे एक डॉट बनाया हमने, पॉइंट बनाया है जो फोकस है एफ। यहां से ब्लैक कलर का एक हमने लाइन दिखाया, ये लाइन नहीं है एक्चुअली में एक प्लेन है ना। ये प्लेन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो स्क्रीन है अपना, जिस स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इसलिए हमें एक लाइन जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो ब्लैक कलर का हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो फोकस से पास भी कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फोकल प्लेन, है ना। तो ये तो हो गया फोकल प्लेन का डिफिनीशन और लोकेशन। अब इसका यूज क्या होगा, यूज समझने के लिए आप देखेंगे मैंने यहां पर ऊपर तीन इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ किया हुआ है, यहां पर ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तीन म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है ना। कहा जाता है कि अगर म्यूचुअली पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होंगी किसी भी कर्व मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकल प्लेन में कहीं पर जा करके मिलती है, एक दूसरे से कहां पर मिलती है, फोकल प्लेन में। जैसे देखेंगे यहां पर तीन लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है, ये कह सकते हैं कि ये तीन इंसिडेंट रेज है ना। तो जो सबसे नीचे वाला लाइट रे है जो कि पोल पर इंसिडेंट हो रहा है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं मान लेता हूं थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा और जा करके फोकल प्लेन में यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये इस पॉइंट पर आकर के फोकल प्लेन में मिल रहा है तो जो बाकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है जो कि म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, वो लाइट रे भी इसी पॉइंट पर आकर के फोकल प्लेन में मिलेंगे, है ना। तो इसको हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे, है ना, इनको हम लोग पहले ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इंसिडेंट रेज ड्रॉ कर ही दिया है, अब देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये किस तरह से यहां पर आकर के मिलेंगे। ये यहां पर आकर मिल गया, उसी तरह से एक तीसरा वाला जो लाइट रे है जो इंसिडेंट हुआ है इस यहाँ पर, वो भी रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पर फोकल प्लेन में आकर के मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि तीनों आई तो म्यूचुअली पैरेलल थी, है ना, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल क्यों नहीं रही। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हमें देखना होगा कि जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं है, सब इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नहीं इंसिडेंट हो रही है ना, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है। जैसा कि मैंने बताया था शुरू में जब हम लोग फोकस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे,
एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में, तो मैंने बताया था कि भले म्यूचुअली पैरेलल लाइट रेज आ रही हो लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका इक्वल नहीं होता है। जैसे जैसे ये पोल से दूर इंसिडेंट होती हैं उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग डायरेक्शन में ये डेविएट होंगे रिफ्लेक्शन के बाद। तो अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट होने के बाद इस पॉइंट पर आकर के मिलती है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कई बार यूज करते हैं, मैं यहाँ पर एक करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका यूज करेंगे। पहले मैं ये जो पॉइंट है इसको लिख देता हूँ। क्या मैंने बताया अभी कि जो लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट होती है, किसी भी कर्व मिरर पर म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकल प्लेन में मिलती है ना। लाइट रेज विच आर इंसिडेंट म्यूचुअली पैरेलल एट कर्व्ड मिरर मीट एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑन फोकल प्लेन आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर कर्व्ड मिरर पर इंसिडेंट होती हैं तो वहां से रिफ्लेक्शन के बाद जो है सारी लाइट रेज फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो पोल है उसको मान लेते हैं पी, ये जो है फोकस है एफ, और जिस पॉइंट पर ये फोकल प्लेन में सारी लाइट रेज मिलती हैं उसको मैं पॉइंट एम कह देता हूँ, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा पी एफ एम, है ना। एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी एफ एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये पी पोल है, ये हो गया आपका, देखेंगे पी एफ एम है ना, और ये पी हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें अगर मैं टैन थीटा की वैल्यू निकालूं, टैन थीटा की जो वैल्यू आएगी, अगर ये मान लें कि जो एफ एम है मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ है उसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस अगर एच मान लिया जाए, तो टैन थीटा की वैल्यू आएगा एच डिवाइडेड बाई एफ। एफ क्या है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, है ना। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो है एंगल थीटा के ऑपोजिट साइड हो गया एच और थीटा के एडजेसेंट साइड हो गया एफ, है ना। तो टैन थीटा की वैल्यू आ गया एच बाई एफ, यानी अगर एच का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा एफ टैन थीटा। हम चूंकि पैरेक्सियल रे की बात करते हैं, हमेशा मैंने कहा कि जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है उसमें हमेशा पैरेक्सियल रे को ही कंसीडर किया जाता है। तो पैरेक्सियल रे के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है ना। तो उस केस में जो टैन थीटा है उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा में, थीटा रखा जा सकता है अगर रेडियन के फॉर्म में रखा जाए, है ना। तो कह सकते हैं फॉर पैरेक्सियल रेज, मतलब कि पैरेक्सियल रे के लिए क्या होगा, थीटा बहुत ही स्मॉल होगा, थीटा इज स्मॉल, सो एच इज इक्वल टू एफ थीटा, है ना। टैन थीटा को थीटा रख देंगे क्योंकि थीटा वो छोटा है, लेकिन टैन थीटा को थीटा रखते टाइम में ध्यान रखना है कि उसको रेडियन में रखना पड़ेगा, डिग्री में नहीं रखना है, ठीक है। तो एच का वैल्यू एफ थीटा भी लिख सकते हैं और एच का वैल्यू एफ टैन थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें एक सन या मून का इमेज बनाया जाता है किसी कॉनकेव मिरर, है
है ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर देखेंगे अभी जो हमने वैल्यू ड्राइव किया था उसमें एच का वैल्यू आया था कितना, एफ टैन थीटा, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग एफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो कि पूछा जाता है कई बार। यहाँ पर देखेंगे ये सन है जो एक्चुअली में स्फेरिकल होता है, यहाँ पर हम लोग चूंकि साइड से देख रहे हैं इसलिए ये थोड़ा इलिप्टिकल शेप का हमें दिख रहा है, ये सन है जिसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक, अब ये जो सन है अर्थ के सरफेस पर कुछ एंगल सबटेंड करता है, मान लेते हैं थीटा, है ना, थीटा एंगल सबटेंड करेगा, तो ये जो मिरर है मिरर भी अर्थ के सरफेस पर रखा है तो इस पर भी टोटल एंगल जो आएगा वो थीटा आएगा, है ना। तो हम लोग पहले लिखते हैं हाफ एंगल, हाफ एंगल आएगा ये थीटा बाई टू, और ये दूसरा वाला हाफ एंगल भी आएगा थीटा बाई टू, यानी टोटल एंगल हो गया थीटा। तो सन इस मिरर के पोल पर टोटल थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है कि जो सन का इमेज बनेगा उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इमेज का डायमीटर निकालने से पहले इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज बन कैसे रहा है ना। तो ये जो सन है, सन का एक टॉप मोस्ट पॉइंट मैं लेता हूँ, है ना, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सपोज ये है पॉइंट ए, तो यहाँ से एक लाइट रे मैंने भेजा है, हालांकि वहां से केवल एक लाइट रे नहीं जाएगा, बहुत सारे लाइट रे जाएंगे, इन्फाइनाइट लाइट रे जाएंगी, लेकिन चूंकि सन इन्फिनिटी पर है तो जितनी भी लाइट रे जाएंगी वो म्यूचुअली पैरेलल आएंगी, है ना, म्यूचुअली पैरेलल आएंगी, यहाँ पर पोल पर थीटा बाई टू एंगल पर इंसिडेंट होंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल प्लेन में कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर, है ना। तो ये जो कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए है उसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा ए डैश। ठीक है, जैसे अगर आप देखें ऊपर भी हमने जो केस बताया है उसमें केवल हमने उस लाइट रे को कंसीडर किया है जो कि पोल पर इंसिडेंट हुआ है, जो पोल पर इंसिडेंट हुआ था उसका एंगल था एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी था थीटा, और देखा कि वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पर आता है फोकल प्लेन में, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर बाकी सब आकर के इंटरसेक्ट करती है ना। तो हमेशा ऐसे केस में जिसमें म्यूचुअली पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हो, एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट हो रही हो, ओब्वियसली चूंकि वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी इसलिए पैरेलल आ रही है, तो इस केस में हमेशा पहले वो लाइट रे कंसीडर करना चाहिए जो पोल पर इंसिडेंट हो रहा हो। पोल पर इंसिडेंट होने वाला जो लाइट है वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होता है, सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा तो उसको उसी तरह से सिमेट्रिकली का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कर देंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल जैसा बिहेव करता है, यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक तरह से नॉर्मल है तो उसके अबाउट कहेंगे कि सिमेट्रिकल है ना। तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा वो लाइट रे जो कि पोल पर इंसिडेंट होगा, तो हमेशा उसी लाइट रे को कंसीडर करेंगे, वैसे बहुत सारी लाइट रे आ रही होंगी, ठीक, तो वो लाइट रे से हमें आइडिया लगेगा कि इमेज कहाँ पर बनेगा, है ना, पॉइंट ए से जाने वाला लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट ए डैश पर मिलेगा फोकल प्लेन, बाकी सारे ऑब्वियसली वहीं जाकर मिल जाएंगे। उसी तरह से सन के सरफेस पर एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं ए के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी पर, है ना, ये जो नीचे पॉइंट है इसको कहते हैं बी ए, तो यहां से भी बहुत सारे लाइट रे जाएंगी, हम लोग तो केवल एक लाइट रे कंसीडर करेंगे जो कि पोल पर इंसिडेंट होगा, और पोल पर इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा तो जा करके फोकल प्लेन में यहां पर मिलेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट बी, बी डैश कह दिया इसको। ओके, तो हमने क्या देखा, ए का इमेज ए डैश पर बना, बी का इमेज बी डैश पर बना, एक तरह से कह सकते हैं कि इन्वर्टेड बना है ना, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था उसका इमेज नीचे बना है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो पॉइंट नीचे था उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। उसी तरह से अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं कह देता हूँ कि ये सी है ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक वैसा ही डिस्क जैसा बनाऊँ, क्योंकि सन जो है देखने में डिस्क जैसा दिखेगा, सर्किल जैसा दिखेगा, तो उसका इमेज भी सर्किल जैसा ही बनेगा कुछ, है ना,
तो सी जो है, अगर सी यहां पर है तो उसका इमेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यहां पर जाकर के बनेगा, यहां पर, है ना। और अगर ये पॉइंट डी है तो उसका इमेज पॉइंट सी जैसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है वहां पर बनेगा, ठीक है। तो सी का इमेज यहां पर बनेगा सी डैश, और डी का इमेज यहां पर बनेगा डी डैश, ऐसे, है ना। और ये है ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट का इमेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड में साइड में बन रहा है, ठीक है। तो ये सन का इमेज हो गया। अब सन का डायमीटर हमें निकालना है, तो कैसे निकालें? ये जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, ये डिस्टेंस ही इमेज का डायमीटर कहलाएगा। ये डायमीटर हमें निकालना है। अगर वो डायमीटर है तो ये जो हाइट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ए डैश के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग कह देते हैं रेडियस आर, ठीक है। तो यहां भी देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हमने ऊपर बनाया था। ये इसका हो गया पोल, यहाँ पर बीच में यहाँ पर ये फोकस है, जहाँ फोकल प्लेन बनाया था ना हमने ब्लैक कलर का जो बनाया है वो फोकल प्लेन है। फोकल प्लेन ऑब्वियसली फोकस से पास करता है ना। अगर ये फोकस से पास करेगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फोकस है ना, ये फोकस है। और फोकस से ए डैश का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कह देंगे कि ये रेडियस है इमेज का। सन जो है चूंकि सर्कुलर दिखता है हमें, तो उसका इमेज भी सर्कुलर दिखेगा। अगर सर्कुलर है तो उसका रेडियस भी आएगा, तो रेडियस आर हम लोग ये ले लेंगे। और चूंकि ये फोकस है पॉइंट एफ जो है, तो वहां से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया एक्चुअली में फोकल लेंथ एफ। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है पी एफ ए डैश, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल में पी एफ ए डैश में अगर टैन थीटा बाई टू का वैल्यू आप निकालें, टैन थीटा बाई टू का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, ये हाइट डिस्टेंस हो गया आर डिवाइडेड बाई एफ, आर डिवाइडेड बाई एफ, है ना। तो इसमें से हमें पहले आर निकालना है, तो आर का वैल्यू आएगा एफ टैन थीटा बाई टू, ठीक है। यहाँ भी चूंकि थीटा स्मॉल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इंटू थीटा बाई टू फॉर पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे के लिए क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है, यानी थीटा बाई टू बहुत छोटा होगा। तो उस केस में टैन थीटा बाई टू को मैं थीटा बाई टू लिख सकता, है ना। तो जो रेडियस है वो आ गया एफ थीटा बाई टू। हमें तो डायमीटर निकालने के लिए कहा गया, तो कह सकते हैं डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू टू इंटू आर। टू आर का वैल्यू हमने फाइंड किया है, एफ थीटा बाई टू है, तो ये टू और टू कैंसिल हो गया, ये आ गया एफ थीटा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि इमेज जो होगा उसका डायमीटर आएगा एफ थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, है ना। लेकिन इसमें फोकस जो है और जो फोकल प्लेन है उसका खास यूज है ना। तो ये जो है फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमें याद रखना है।